के शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है, जहां करीब एक महीने पहले मुजफ्फरनगर जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां भी एक महिला टीचर ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाया है। घटना संभल के दुगवार गांव के सेंट एंथोनी एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां पांचवी कक्षा के छात्र ने अपने पिता को स्कूल की टीचर शाइस्ता मैम के बारे में पूरी जानकारी दी। छात्र ने बताया है कि उसका होमवर्क पूरा नहीं था, जिसके बाद महिला टीचर ने सहपाठी छात्र को बुलाकर उसे गाल पर 2-3 चाटे लगवाए। मेरे साथ क्लास में मैंने एक चीज नहीं सुनाई थी तो मैम ने मेरे पीछे वाले बच्चे को उठाकर कहा कि इसके थप्पड़ मारो, तो उसने मेरे दोनों गाल पर एक एक थप्पड़ मारा। किस वजह से मारा? क्योंकि मैम ने जो मुझसे कहा था वो मुझे आता नहीं था, तो मैम ने उससे मुझे थप्पड़ लगा। घटना के बाद बच्चा काफी आहत नजर आया। जब पिता ने पूरी बात सुनी तो स्कूल प्रबंधन के साथ थाने में भी शिकायत की और आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुझे कल मेरे बेटे ने बताया, मैंने तुरंत अपनी एफआईआर बनाई और मैं थाने लेकर चला गया ड्यूटी पर, और उन्होंने उसको कार्रवाई की है। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? जी 5th डी। स्कूल का नाम क्या सर? सेंट एंथोनी स्कूल, दुगावर, रसमोली। वही मामला दर्ज होने के बाद एक और जहां पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही थप्पड़ मारने वाले नाबालिग छात्र के खिलाफ केस दर्ज किया है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने भी महिला टीचर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। टीचर द्वारा एक छात्र को दूसरे छात्र से पिटाई कराए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में पीड़ित छात्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। Yesterday evening and we took action from our management side, we have given suspension for her. We took action from our side and we have got an affidavit from all the teachers for punishments or any other things. We got the affidavit also, it's also with us. बहरहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर शाइस्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बता दें कि पिछले ही महीने मुजफ्फरनगर में भी एक महिला टीचर ने एक छात्र से दूसरे छात्र को पिटवाया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था।